सब लोग फ्राइडे का नहा चुका है, यहाँ पर देख लीजिए स्मार्ट बॉय फ्राइडे व्लॉग है ये, अभी नून से स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पर अरुष की नानी मम्मी बैठी हैं, ये भी नहा करके कपड़ा चेंज कर चुकी हैं। कुछ बोलिए मम्मी, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पापा भी स्मार्ट बन गए हैं, देखिए नहा धो करके जुमा का एकदम स्मार्ट फिट फाट होकर के बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर अरूष का कपड़ा निकाल कर रखा हुआ है क्योंकि आज हम लोग कहीं आउटिंग पे ऐसे मॉल जाने वाले हैं, तो ये ड्रेस अरूष के लिए निकला है कि कौन सा वो पहनने वाला है, तो अभी पूछ कर बताते हैं कौन सा पहनेगा। हाँ देखिए अरूष फ्रेश होकर के अपना स्टडी में लगा है क्योंकि 2:30 में यहाँ से निकल जाना है हम लोग को ऐसे मॉल के लिए। आप क्या बोलते हैं, आज कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग को? तो ड्राइवर आदमी हूँ, एफएम मॉल मालिक लोग को लेके जा रहे हैं, छोटे मालिक बड़े मालिक। तो आज एंजॉय करेंगे ना हम लोग वहाँ? तो मेरे पीछे ये आप लोग देख सकते हैं इन लोगों को, इन लोग फ्रेश हो चुके हैं, सब लोग रेडी है, बट मैं अब जा रही हूँ नहाने, चेंज करूँगी, फिर नमाज के बाद हम लोग निकलने वाले हैं एफएम मॉल, वहाँ का व्यू आप लोग को देखने को मिलेगा आज। तो मेरी वीडियो में आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरूष के नाना की बर्थडे का केक है और जो तो माशाल्लाह से आज मेरे पापा का 71 का बर्थडे ब्लॉक करो तीनों में 7 जून को, तो हम लोगों ने केक मंगवाया एंड छोटी सी पार्टी किया, सेलिब्रेट घर में सब लोग मिलके किया, केक कटिंग किया एंड पापा को हम लोगों ने विश किया, सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू अरूष। अचानक से सडनली हम लोगों ने सरप्राइज नाना को विश, हम लोग तो भूल ही चुके थे बट उनके बचपन के फ्रेंड की कॉल आई थी तो इसलिए याद आ गया। खिलाओ, तुम खिलाओ नाना को। छोटी छोटी चीजें घर में जरूर करनी चाहिए ताकि इंसान को मजा आता है। आ बेटा। पापा ने केक कट के काशिक को भी खिलाया और फिर हम लोग रेडी होने के लिए चले गए क्योंकि घूमने जाना था। तो फ्रेंड्स देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए एफएम मॉल एंड मैंने ये अपना आउटफिट लुक लिया है ग्रीन कलर में, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं नीचे तक का भी। तो मैं ड्रेस अप हो गई, बस अब हम लोग निकलने वाले हैं, अरूष रेडी हो रहा है, काशिप रेडी हो चुके हैं, तो बस हम लोग निकलते हैं, फिर वापस से आप लोग को एफएम मॉल में मिलते हैं, तो वहाँ देखिए मेरी वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग बताएं, कमेंट्स करें कि मेरा ये आउटफिट कैसा लग रहा है ये ड्रेस। तो अरूष हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस हम लोग की कार अब बाहर हो रही है, हम लोग सब एफएम मॉल जा रहे हैं। तो हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था अभी हम लोग एफएम मॉल के लिए निकल चुके हैं, बस घर के बाहर ही है, हम लोग की कार स्टार्ट होने वाली है, तो अरूष पूरा इंजॉय करेगा इस वेकेशन में पहली बार। आज तो मजा है। एफएम मॉल यहाँ पर भागलपुर में ही है, थोड़ी दूरी पर, तो हम लोग उधर बस जा रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, इंशाल्लाह वहाँ जाके आप लोगों को सारा ब्लॉग दिखाने को दिखाते हैं। अरूष क्या बोलना चाहते हो तुम? बहुत मजा आएगा। चलो क्या बोल रहे हैं? टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर यही है अपोजिट पर, और टीचर्स ट्रेनिंग भी है यहाँ पर, बेहड़ा भी है, ये व्यू ही बहुत अच्छा है यहाँ का, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एरिया है। तो ये देखिए एफएम मॉल हम लोग आ गए लास्टली, तो अब हम लोग उतरते हैं नीचे, अरूष जाओ नीचे फिर हम लोग। तो फाइनली हम लोग एफएम मॉल पहुंच चुके हैं, इसके बाहर का व्यू है, अरूष का वैकेशन टाइम एंजॉय अभी स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, धूप भी है, तो हम लोग अंदर बस जा रहे हैं, अंदर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स अंदर जाते हैं हम लोग, अगर हमारी वीडियो ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को एंड कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़।
तो ये जस्ट मॉल के अंदर का नज़ारा है जो आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग यहाँ वेकेशन पीरियड में आए हैं तो काफ़ी टाइम लेकर आए थे ताकि हम लोग सब मिलकर इंजॉय कर सकें फुल डे इंजॉय। यहाँ पर एक शॉप है, ये मिल गए थे उनके फ्रेंड जो जानने वाले थे तो ये उनसे गॉसिप करने लगे। फिर हम लोग आगे की तरफ देखते गए, बहुत से जगह कमिंग सून था जो अभी आया नहीं है। ये लिबर्टी का शोरूम था एंड आगे आगे हम लोग चलते गए तो बहुत से कमिंग सून देखने को मिला, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी खुलना बाकी हैं तो नहीं हुई हैं। तो ये सारा व्यू, फिर हम लोग सेकेंड फ्लोर पर जा रहे थे, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या मिलता है हम लोगों को, फिर बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर टैटू वाला भी है। तो फ्रेंड्स ये रहा सेकंड फ्लोर जिस पर क्लॉथ का शोरूम है, ड्रेसेस हैं बच्चों के भी हैं, जेंट्स फीमेल सब के शूज वगैरह के। देखिए मुझे क्या ऑफर मिल रहा है, क्या बोल रहे हो? कुर्ती खरीदने का ऑफर मिल रहा है, बट देखते हैं सोचते हैं, अभी तो घूम ले पहले फिर हम लोग बताते हैं। क्या बोलते हैं अरुष, मजा आ रहा है क्या? अभी कुछ तो मिलेगा ही। तो अरुष को क्या एक टी शर्ट लेना है? अरे यहाँ ए सी नहीं है, ये लो। थोड़ा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम एसी वगैरह है बट चिल्ड नहीं है, वो लगता है मेंटेनेंस के लिए ऑन ऑफ करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं एक यहाँ पर शॉप है, इसमें अपने लिए कोई कॉटन में कुर्ती देखती हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर वो देख लेती हूँ। जब ऑफ़र मिला है तो उसको पूरा कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल में ही जो रेगुलर यूज़ होता है मेरा वो देख लेती हूँ। यहाँ बहुत सारी कुर्तियाँ हैं, बोलो तो मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है सीरियसली। नो नहीं सीरियसली बोलो तो मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, सब नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं। मुझे भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, काशिफ ने बहुत कोशिश की ट्राई करने की कुछ अच्छा मिल जाए बट उनको भी पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। अरूष के शिक्षक ने भी देखने चले गए, मुझे तो कोई पसंद नहीं आई तो मैं अब अरूष के लिए देख लेती हूँ, उसके लिए कुछ शायद हो। क्या अरूष कलेक्शन ज़्यादा नहीं है ना, नॉर्मल है, कोई ख़ास नहीं। चले तो चलते हैं हम लोग थर्ड फ्लोर में, वहाँ देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हम लोग थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे देखिए हॉरर हाउस करके कुछ है, क्या आप लोग को जाना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बोर होते हैं। आपको जाना है? हॉरर हाउस तो हम लोग नहीं गए बट वहाँ पर थोड़ी पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक ज़रूर की, क्योंकि ये पैर इस टाइप से डर थे, यहाँ पर तो मैं सीरियसली डर गई थी। अभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है एफएम मॉल, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कमिंग सून बता रही है, देखिए कमिंग सून ज़्यादातर अभी यही है, तो बस नॉर्मल सा है अभी, आगे डेवलप करने में भी बहुत टाइम लगेगा इसको। लगभग हम लोग यहाँ पर भी सब कंप्लीट, आप मेरे सामने देख सकते हैं कंप्लीट बंद है सब कुछ, एंड इसके ऊपर अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर पर, वहाँ देखते हैं कि अभी क्या मिलता है, फिर आप लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं। ये है फोर्थ फ्लोर पर जाने के लिए, अभी यहाँ क्या मिलता है हम लोगों को? तो अभी हम लोग फूड कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जो भी चीज़ें होंगी जो हम लोगों का दिल करेगा वो सब हम लोग ट्राई करेंगे, क्या मिलता है वहाँ जाके दिखेगा। हाँ तो आप लोग यहाँ से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फूड कोर्ट है,
तो हम लोगों को पहले आइसक्रीम पार्लर ही दिखा अमूल का, तो हम लोग वहाँ पर चले गए कुछ आइसक्रीम्स वगैरह लेने के लिए। फिर देखते हैं अरूष क्या लेता है। अरूष को आइसक्रीम लेना है। कौन सा आइसक्रीम अरूष? चॉकलेट। चॉकलेट आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। आप भी कुछ ले रहे हैं क्या? लस्सी। ये काशिफ ने लिया लस्सी एंड अरूष का फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। तो मुझे भी थोड़ी प्यास टाइप की लग रही थी, तो जब काशिफ ने लस्सी लिया तो मैंने भी लस्सी ले लिया एंड हम लोग लस्सी इंजॉय करने लगे। हमारा गेमिंग जोन। पहले आइसक्रीम तो खाना। ओहो, अब कैसा लग रहा है? अब मज़ा आया देखकर, वरना ये तो बोर हो रहा था कि यहाँ कुछ घूमने की जगह ही नहीं है। तो अब इसके लिए यहाँ पर गेमिंग जोन दिख गया हम लोगों को। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप लोगों को बैक में दिख रहा होगा, वहाँ गंगा का व्यू आ रहा है। तो गंगा का व्यू आप लोगों को मैं दिखाने जा रही हूँ अभी। तो जब हम लोग आगे बढ़े फूड कोर्ट होते हुए, तो देखा उधर बहुत अच्छा व्यू है, जो गंगा का व्यू वहाँ से दिख रहा था, क्योंकि गंगा के किनारे ये FM मॉल है। तो यहाँ पर से पूरा व्यू गंगा का आ रहा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड अरूष वहाँ देख रहा था। मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉग यहाँ पर बनाया, पूरा होल एरिया देख सकते हैं यहाँ पर। तो काशी फूड कोर्ट एरिया में खड़े थे, वो पापड़ी चाट लेने गए थे। तो सर क्या लाए हैं? पापड़ी चाट। पापड़ी का तो इसमें पता ही नहीं, पापड़ी तो दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मिलकर पापड़ी चाट इंजॉय किया, और कुछ ऑप्शन भी नहीं था। मैंने चिकन का भी पूछा था, कोई आइटम कुछ नहीं मिल रहा था। बस यहाँ अभी इतना ही कुछ है, तो वो बहुत बड़ी बात है। FM मॉल न्यू ही यहाँ ओपन हुआ है अभी। तो फिर हम लोग गेम जोन में चले गए वहाँ देखने कि अरूष को क्या क्या करना है, क्योंकि मेनली तो हम लोग अरूष के लिए ही वहाँ पर गए थे कि वो वैकेशन इंजॉय कर पाए। तो दोस्त का दिन तो हम लोग, हाँ ये तो हम करेंगे पक्का। तो यहाँ पर अरूष के गेमिंग के लिए कार्ड इशू करवाया हम लोगों ने, बट कार्ड का 6 मंथ का ही अरूष हो जाएगा। तो अरूष को जो जो चीज़ें पसंद आ रही थी हम लोगों ने उसको करवा दिया, एंड माशाल्लाह उसने बहुत ही अच्छा गेम वगैरह खेला था, उसे टाइम भी मिल गया था 1 से 2 बार, एंड बहुत ही अच्छा खेला उसने। दोबारा से फिर उसने किया, क्योंकि टॉयस उसमें थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो काफ़ी छोटा छोटा उसमें रखा गया था। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, आगे वीडियो में बने रहें, कमेंट ज़रूर करें। एंड यहाँ पर हम लोग टॉय सेक्शन में आ गए, यहाँ पर उसको कैच करना था बट हो नहीं पाया, क्योंकि टॉयस काफ़ी छोटा था जो बड़ा होना चाहिए था। तो बट हम लोगों ने ट्राई ज़रूर किया। फिर अरूष दोबारा से खेलने आ गया एंड हम लोगों ने आइसक्रीम ट्राई की, क्योंकि ये फेवरेट अरूष का आइसक्रीम था, बट मेरा भी दिल हुआ कि मैं एक बार ट्राई करूँ, तो मैंने ये ले लिया। एंड यहाँ पर हम लोग फिल्म के लिए चले गए थे सिनेमा देखने, क्या फिल्म लगी थी नहीं लगी थी। तो यहाँ पर अरूष फिर मस्ती कर, यहाँ पर हम लोग सभी फिल्म का टिकट ले रहे हैं। ले लिया टिकट क्या? पेमेंट कर दीजिए। ले लिया टिकट। टिकट पेमेंट कीजिए। 6 o'clock टाइम है ना। तो यहाँ पर हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो कुछ स्नैक्स और पानी लेने आ गए हैं। हाँ, स्नैक्स और कुछ पानी वगैरह ले लीजिए। तो फिल्म जा रहे थे हम लोग, तो थोड़ा सोचा यहाँ से स्नैक्स ले लेते हैं,
या फिर पॉपकॉर्न वगैरह ताकि अंदर मूवी में मज़ा आए। तो ये फिल्म हॉल में हम लोग एंट्री ले चुके हैं एंड अभी कोई दिख नहीं रहा है, पूरा हॉल ही बुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही हॉल है। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने सीट पर एंड यहाँ काफ़ी चिल्ड है, बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा है। कोई आए नहीं है बट हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। वो चलती, वो स्क्रीन लगा हुआ है ना, प्रोजेक्टर है ना। तो मूवी स्टार्ट हो गई है। ये रुश मजा आया? ठीक थी मूवी, ठीक थी। फुल डे मस्ती हो गई, अब हम लोग घर जा रहे हैं फुल डे मस्ती करके एफएम मॉल से। अभी 8 PM हो रहा है, अब देखिए अरुष फुल डे मस्ती। चलो बाहर। तो फिर आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स भी करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आगे के वीडियो में बने रहें। अब हम लोग घर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।